हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स मूव कर सकते हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, बहुत सारी लर्निंग्स इसमें है। आज कुछ बातें करने वाला हूं मैं स्टॉप लॉस के ऊपर, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। आज की अगर हम बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा पेचीदा रहा। मार्केट यहाँ पर खोलने के बाद वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रही, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कभी अप कभी डाउन। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, मार्केट खुलने के बाद डाउन आता है, हमने मॉर्निंग में सेलिंग भी किया, वहाँ पे हमारा 50% टारगेट 100 पॉइंट यहाँ पे मिले, स्टॉप लॉस हुआ, पूरा टारगेट नहीं मिला। फिर मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की, फिर फॉल किया, तो इस तरह से चलता रहा। एंड वाले टाइम पे भी हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों के बाद टारगेट हिट किया। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया था, अगर आप लाइव में थे तो आपको आपके नॉलेज में होगा। मैं यहाँ पे उस ट्राइंगल को दोबारा से बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से था, आपको अगर याद होगा तो कुछ इस तरह से था, राइट, कुछ इस तरह से था। यहाँ पे अगर देखेंगे इस ट्राइंगल का ब्रेकडाउन पहले करने की कोशिश किया बट कैंडल क्लोज नहीं किया, वेल एंड गुड। बट यहाँ पे ट्राइंगल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया, कैंडल क्लोज किया, आप लोगों ने यहाँ पे पुट डेफिनेटली लिया होगा, बहुत सारे लोग, मैंने भी लिया था, बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग किया था, यहाँ पे पुट बना। अब मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर माउंट बैक कर जाता है एंड अगेन मार्केट जो है फॉल करके हमारा टारगेट हिट कर जाता है। ऐसे कंडीशन में मुझे आज स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे आए, बहुत सारे हमारे भाइयों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने भेजा कि भैया प्रॉफिट हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि लॉस हो गया, हमारा स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट टारगेट हिट किया, बट ओके रिपोर्ट है। बट जिनका प्रॉफिट हुआ मैं उनसे कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि जब मार्केट नीचे आया, आपको ट्रेड दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट मूव किया, 150 पॉइंट मूव किया, डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस कहीं स्विंग पे रहेगा। जब आप यहाँ पे सेल किया हो तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फॉल किया, तो आपने क्या किया, आपने मुझे क्या लिख के भेजा कि भैया मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, बहुत सुंदर पैसा बना। तो मैं एक यही चीज़ डिस्कशन करना चाहूँगा, आपको ये नहीं पता था कि ये वाला मूव जो आया है ये मूव डेफिनेटली आने वाला। अगर आपको ये पता था तो आप करोड़ों रुपये आज कमा लेते, आप सब कुछ अपना बेच वगैरह बेच के यहाँ पे बैठ जाते, लेकिन आपने क्या तुक्के से रखा, आपने होल्ड किया कि चले यार जो होगा देखा जाएगा, वो है ना, या आपने एक सोच लिया होगा कि ये ट्रायंगल का जब ब्रेकआउट करेगा तब हम अपने स्टॉप लॉस पे हिट कराएंगे, वेल एंड गुड है। अगर ये प्लान आपने किया था तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपने नेकेड छोड़ा हुआ था तो अगर बाई चांस मार्केट इस तरह से ऊपर ऊपर चला जाता तो आप कहाँ तक वेट करते, है ना। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, रूल्स बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो पैसा आपको फॉलो करेगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ। जितने लोगों ने प्रोसेस को फेल करके अपने रूल को ब्रेक करके पैसा बनाया है वो गलत है भाई। कुछ देर के पैसों के लिए, कुछ देर के प्रॉफिट के लिए अपने पूरे रूल्स को ब्रेक मत कीजिए, जो कि आपको लॉन्ग लाइफ लेके चलने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे जिन्होंने पैसा बनाया है उनके लिए भी बढ़िया, जिन्होंने लॉस किया है कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कोशिश कीजिए, बढ़िया पैसा बनेगा। अब हम बात करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाऊँगा बैंक निफ्टी में, सॉरी ये है वन डे का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का, ट्रेंड लाइन चल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है एंड मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक ऊपर गया है, फिर यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा एक जोन बना दिया है बैंक निफ्टी में, इस जोन में टिक गया है। जोन कितना बड़ा है अगर हम चेक करना चाहें तो ये जो जोन मुझे निकल कर आ रहा है मेरे पास वो इस लेवल का जोन है, अप्रॉक्स इसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है 36,800 का लेवल, या फिर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है 38,290-300 का लेवल, तो मार्केट में एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से अगर कंसोलिडेटेड है, इवन वन वीक के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो आप देखोगे कि एक रेंज में ही मार्केट है। मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में ही क्लोजिंग दे रहा है, ये देखिए इस रेंज में ही मार्केट फंस के रह गया, इवन एक दो और दो पाँच सात वीक से, सात वीक का मतलब ये 10 जनवरी से लेके आज भैया फरवरी का 23 तारीख हो गया है, इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अब इस रेंज से जब जिस दिन भी निकलेगा एक बड़ा मूव हम देख सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या करने वाले हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, मैं सेलिंग प्लान कर रहा हूँ 37,219 के नीचे और बाइंग प्लान कर रहा हूँ मैं 37,750-60 के ऊपर। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है उस कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, फ्लैट अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुल गया, जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा चांसेस रहेंगे ब्रेक डाउन करने के, हम सेल कर लेंगे। बट अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पे कहीं या 37,000 के आसपास या कहीं 200 के आसपास यहाँ पे कहीं खुल गया तो क्या करेंगे, तो हम वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन बनने का। मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, कुछ इस तरह से ऊपर जाता है और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल अगर हमें मिलता है तो हम सेल करेंगे, जहाँ भी नेगेटिव कैंडल मिलेगा हम सेल कर लेंगे और उसके पहले स्विंग का यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर लेंगे, राइट।
बाइंग का सिनेरियो आपको मैंने समझा दिया है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है तब भी आप बाइंग कर सकते हो बड़े आराम से। तो कम से कम नहीं तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर वाला लेवल हटा ही देता हूँ, अपन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे बाइंग कर लेंगे। ये ट्रेंड लाइन बहुत टाइम से डिफेंड कर रहा है और बड़ा लंबा ट्रेंड लाइन है, तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, राइट। ये हो गया निफ्टी का। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे सेम वैसे सिनेरियो बना हुआ है भाई। मार्केट क्या है, लोअर हाई बना रहा है और लोज जो है वो ऊपर नीचे चल रहे हैं, मिक्स हो रहा है, यानी एक डिसेंडिंग पैटर्न हम इसको कह सकते हैं, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको बड़े आराम से आप एक डिसेंडिंग पैटर्न बोल सकते हो। नीचे जो है 16,800 का लेवल और ऊपर से यहाँ पे स्लोप चल रही है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 17,000 का राउंड लेवल है। 17,000 का राउंड लेवल जो है वो एक अहम लेवल है। अगर 17,000 के लेवल के नीचे मार्केट टिक जाता है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, बहुत बढ़िया गिरावट आ सकता है। वन डे, वन आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा आपको और थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज़ कर दूँगा। ये देखिए, ये 17,000 का लेवल मार्क है, ये रेड लाइन आप देख पा रहे हो। जब जब मार्केट 17,000 के आसपास आए, कितनी देर रुका है नीचे, बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन है यहाँ पे। जब जब इसके नीचे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर रुकने की कोशिश किया है लेकिन फिर भाग गया, ऊपर वी शेप रिकवरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मतलब एक पूंछ सी बनाता है, एक स्प्रिंग कहते हैं, विकी ऑफ जिसको पता है, अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग बना के भाग जाता है। तो ये लेवल बहुत बढ़िया लेवल है, ये जो लेवल है बहुत बढ़िया लेवल है और काफ़ी ज़्यादा होप है कि अगर इसके नीचे दो तीन चार दिन टिके तो बढ़िया पैसा देगा। लेकिन अगर 17,000 को ब्रेक करने के बाद फिर उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो वहाँ से समझ लो कि बाइंग का सिनेरियो एक्टिवेट हो गया है। स्टॉक कौन सा करने वाले हैं हम कल, लेकिन पहले एक बार आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बता दूँ, 17,000 के नीचे हम सेलिंग करेंगे और हम बाइंग कहाँ पे करेंगे ये हम बता दें। बाइंग कहाँ पे प्लान करेंगे हम, बाइंग प्लान करने के लिए हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको पास लेके आऊँ तो बाइंग हम कम से कम नहीं तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसमें भी मैं ट्रेंड लाइन एक लगा ही देता हूँ आपके लिए, छोटा सा मैं लगा रहा हूँ, इसको आप एक्सटेंड कर लीजिएगा ऊपर की तरफ, यही ट्रेंड लाइन वर्क करेगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर टिक रहा है तो हम बाइंग प्लान कर लेंगे। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। यार देखो, रिलायंस भूल गया बताना, क्या भी रहा था मैं रिलायंस बताऊंगा। रिलायंस देखिए 2400 के ऊपर आज क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो बहुत अच्छा लेवल है 2400 के ऊपर। 2400 के ऊपर जैसे ही टिकता है आप बाइंग साइड में जाइए। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको समझ में आएगा, रिलायंस में अगर 2350 का 2350 का लेवल निकाल रहा है ना तो एक बहुत अच्छा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। 2310 रुपये तक के टारगेट हो सकते हैं। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप आओगे आपको समझ में आएगा इस लेवल को निकालने के पीछे की लॉजिक मेरी क्या है, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं अकाउंट ओपनिंग के, अगर अभी तक नहीं करवाया आपने हमारे साथ अकाउंट ओपन तो अकाउंट ओपन करा के हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। थैंक यू।